गुरु जी की बात सुनिए। हाँ, ठीक है। एक दीक्षा होती है जिसको कि स्पर्श दीक्षा कहा जाता है, यानी छू दिया हाथ से। स्पर्श में कई तरह का होगा, छू दिया हाथ से तो उससे उसका संबंध बन जाता है। दीक्षा का वास्तविक अर्थ होता है संकल्प। संकल्प, हाँ, और ऐसा संकल्प जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक संकल्प को दीक्षा कहा जाता है। तो जब वह संकल्प व्यक्ति ले लेता है तो फिर उसके लिए फिर आगे की साधनाएं बताई जाती है और बाकी आध्यात्मिक जो भी उसके सामने प्रश्न खड़े होते हैं उसका समाधान किया जाता है। लेकिन जो दीक्षा की प्रक्रिया है तो उसमें स्पर्श दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा है। इसके बाद फिर है कि फिर दृष्टि दीक्षा है, देख लेने मात्र से ही वो प्रभावित हो जाता है और उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर पड़ता है। या तो वह हुआ कि जब वो व्यक्ति जो है ना अभी उसकी तरफ से कोई वो नहीं था, मतलब इंटेंशन नहीं था उसकी तरफ से, आप समझ रहे हैं। एक होता है मनोसमर्पण, अभी उसमें कुछ इंटेंशन पता नहीं था कि मुझे दीक्षित होना है या क्या होना है, अध्यात्म में चलना है या मुझे अध्यात्म की ओर चलना है, उसको आइडिया नहीं है। और गुरु ने उसको जैसे स्पर्श कर दिया या दृष्टि से उसको दीक्षित कर दिया। उसके बाद फिर जो है मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा में तो भी क्या है कि जैसे कि उसने कुछ बोला, उसके विचार आए, विचार से थोड़ा कुछ प्रभावित हुआ तो फिर पास में आ गया, फिर जो है कहा कि हमको मंत्र दे दीजिए, हाँ, तो उसको कोई मंत्र दे दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ आ गया पास में, फिर वहाँ पर सत्संग शुरू हुआ, धीरे 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 जो है वो दीक्षित हो गया, उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि उसको लगातार मंत्र मिल रहे थे, एक नहीं कई मंत्र मिल रहे थे। एक तो होता है कि एक खाली मंत्र दे दिया कोई, गायत्री मंत्र दे दिया, अब उसी को वो चाहे जपेगा चाहे जो भी करेगा। और एक होता है कि उसके मंत्रों की बौछार हो गई उसके ऊपर, कई तरह के मंत्रों, तो वह मंत्र दीक्षा कहलाती है। और जो पारंपरिक जो दीक्षा है तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से चले जाता है, अपने कुल गुरुओं के पास चले जाता है या फिर किसी साधु के यहाँ चला गया या किसी आश्रम में चला गया जहाँ भी, और वहाँ जाके दीक्षा ले लिया, तीर्थ वगैरह में भी जाके दीक्षा ले लेते हैं, तो वही अमूमन मंत्र दीक्षा ही देते हैं सर। और एक दीक्षा होती है कि वह व्यक्ति सामने है या भी कुछ बोल नहीं रहा है, वह भी कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ माइंड का जो वेव है ना, तरंगे जो हैं मस्तिष्क की, उन तरंगों से उसको प्रभावित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति फिर जो है आध्यात्मिक को चल पड़ता है। एक दीक्षा इस तरह से होती है कि उसके साथ में रहने से, जैसे कि हंसना बोलना खेलना कूदना, मैं जनरल एक्टिविटी जो है उस जनरल एक्टिविटी के कारण भी वो व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, उसके संसर्ग में संपर्क में आ जाता है। आध्यात्मिक कोई लेने देने कोई बात नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना उसकी हर गतिविधि जो है आध्यात्मिक होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई गतिविधि आध्यात्मिक नहीं है, वो उल्टी भी करेगा तो आध्यात्मिक गतिविधि होगी। थोड़ा सा खोल दीजिए ना, बात समझ में आ रही है। आप अपना खुद खोले करिए, वह उससे कैसे नहीं आ जाता है और उसके बाद जो है फिर नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर जो है जब वो दीक्षित हो गया तब फिर उसको जो है संकल्प को आगे बढ़ाया जाता है। अब दीक्षा में भी कई तरह के मंत्र होते हैं, मंत्र की जगह दीक्षा में जैसे अगर वैदिक मंत्र है तो महामृत्युंजय मंत्र का है, चाहे गायत्री मंत्र का है, चाहे देवी सूक्त का है, बहुत सारे हैं, तो उसमें से वो किसी एक मंत्र को बता सकता है जो उसको लगता होगा कि सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए, या जो उसने उस गुरु ने सिद्ध किया होगा उस मंत्र को,
मंत्र को सिद्ध करने का मतलब होता है कि उस मंत्र के जरिए ही उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई है, और एक तरह की सिद्धि उसको भी कहते हैं जब उसके जरिए मैं कुछ कार्य कर पाऊँ।